नमस्कार, मैं अनुष्का, बिहारी न्यूज में आपका स्वागत है। आज शाम तक की खबरों को जानने से पहले एक नजर डालते हैं अब तक की सुर्खियों पर। साकिब व पोशाक राशि के लिए अटेंडेंस की शर्त हुई खत्म। बीएससी ने सीडीपीओ की परीक्षा को किया रद्द। बिहार सरकार करेगी 8386 शारीरिक शिक्षा स्वास्थ्य अनुदेशकों की बहाली। 1.5 सालों के बाद खुलेंगे भारत नेपाल सीमा के नाके। आज राष्ट्रकवि रामधारी सिंह दिनकर अपनी जयंती पर किए गए याद। तो आइए अब जानते हैं बिहार से जुड़ी खबरों को विस्तार से। आज राष्ट्रकवि रामधारी सिंह दिनकर अपनी जयंती पर किए गए याद। बिहार की साहित्यिक और क्रांतिकारी भूमि में जन्मे वीर रस के पुरोधा राष्ट्रकवि रामधारी सिंह दिनकर की आज 123वीं जयंती है। इस मौके पर साहित्यिक जगत के लोगों और हिंदी प्रेमियों ने आज उनकी प्रसिद्ध कविताओं को याद किया और उनके योगदान की चर्चा की। दिनकर का जन्म 23 सितंबर 1908 को बिहार के बेगूसराय जिले के सिमरिया गांव में हुआ था। दिनकर की ख्याति पूरे भारतवर्ष में है क्योंकि इनकी रचनाएं लोगों को जगाने का काम करती थी और क्रांतिकारी विचारधारा से प्रेरित होती थी। उनकी पुस्तक संस्कृति के 4 अध्याय के लिए उन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार और उर्वशी के लिए भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार प्रदान किया गया था। बीपीएससी ने सीडीपीओ की परीक्षा को किया रद्द। बिहार लोक सेवा आयोग ने बाल विकास परियोजना पदाधिकारी की प्रारंभिक परीक्षा को रद्द कर दिया है। यह परीक्षा 31 अक्टूबर को आयोजित होने वाली थी। इस आदेश से संबंधित एक नोटिस भी जारी कर दिया गया है। बताते चले कि राज्य में चल रहे पंचायत चुनाव के मद्देनजर यह फैसला लिया गया है, जिसके तहत चुनाव को देखते हुए बीपीएससी अब इस परीक्षा को बाद में आयोजित करेगा। इसके लिए बीपीएससी की तरफ से छात्रों को नोटिस दे दी जाएगी, जिसमें परीक्षा की नई तारीख शामिल रहेगी। आपको बताते चले कि 67वीं बीपीएससी के लिए पंचायत चुनाव के बाद दिसंबर महीने में ही परीक्षा लिए जाने की बात चल रही है। बिहार सरकार करेगी 8386 शारीरिक शिक्षा स्वास्थ्य अनुदेशकों की बहाली। सूबे में बड़ी संख्या में शारीरिक शिक्षा स्वास्थ्य अनुदेशक की बहाली का फैसला बीते दिन कैबिनेट मीटिंग में लिया गया है। फैसले के अनुसार बिहार के 8386 प्रारंभिक विद्यालयों में एक एक शारीरिक शिक्षा स्वास्थ्य अनुदेशक की बहाली होगी। इन्हें 8000 रुपए हर महीने वेतन भी मिलेंगे। वही आपको बता दें कि सरकारी स्कूलों से जुड़ी एक और अहम फैसले पर बीते दिन सरकार ने मुहर लगाई है। इसके तहत वर्तमान सत्र में सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चों को लाभकारी योजना का लाभ लेने के लिए 75% उपस्थिति दर्ज होने की जरूरत नहीं है। अम्बेडकर छात्रावास खाली कराने के विरोध में चिराग पासवान ने भेजी चिट्ठी। बिहार में सभी जिलों के अम्बेडकर छात्रावास खाली कराने का फैसला राज्य के SC ST कल्याण विभाग के द्वारा लिया गया है, जिसके विरोध में 25 सितंबर को राज्य भर के दलित छात्रों का आंदोलन पटना में आहूत है। वहीं दूसरी तरफ लोजपा सांसद भी इस मुद्दे पर मुखर होकर सामने आए हैं और इस फैसले का विरोध कर रहे हैं। इसके तहत चिराग पासवान ने बिहार के अनुसूचित जाति जनजाति कल्याण मंत्री संतोष सुमन को चिट्ठी लिखी है और इसके जरिए अम्बेडकर छात्रावास को खाली कराने के आदेश को स्थगित करवाने की अपील की है। दूसरी तरफ ऑल बिहार अंबेडकर कल्याण छात्रावास संघ के अध्यक्ष सह लोजपा प्रवक्ता अमर आजाद ने इसे बिहार के हजारों दलित आदिवासी छात्रों को शिक्षा से वंचित करने की नापाक साजिश बताई है। साइकिल व पोशाक राशि के लिए अटेंडेंस की शर्त हुई खत्म। बिहार की कैबिनेट मीटिंग में बीते शाम एक बहुत बड़ा फैसला लिया गया। इसके तहत सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चों को मिलने वाली स्कॉलरशिप, साइकिल और पोशाक की राशि के लिए उन्हें इस सत्र में 75% हाजिरी बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सरकार ने 1 साल के लिए 75% अटेंडेंस पूरा करने की शर्त को खत्म कर दिया है। इसके तहत अब 1ली कक्षा से लेकर 12वीं तक के सभी 2,10,00,000 छात्र छात्राओं को योजनाओं का लाभ लेने के लिए हाजिरी की शर्त पूरा करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बताते चले कि 2021-22 के सत्र में पढ़ने वाले बच्चों के लिए ही ऐसी व्यवस्था की गई है, क्योंकि कोरोना संक्रमण के कारण छात्रों की उपस्थिति प्रभावित रही थी। महिला जज को कदाचार के आरोप में मिली जबरन रिटायरमेंट। बीते दिन कैबिनेट मीटिंग में किस महत्वपूर्ण एजेंडे पर मुहर लगने में एक फैसला महिला जज संगीता रानी को लेकर भी किया गया, जिसके तहत बैठक में सर्वसम्मति से बेगूसराय के मंझौल अनुमंडल न्यायालय की SGM संगीता रानी को जबरन रिटायरमेंट देने के प्रस्ताव पर मुहर लगी। गौरतलब है कि महिला जज संगीता रानी को 3 साल पहले पटना उच्च न्यायालय के द्वारा कदाचार के आरोप में निलंबित कर दिया गया था। पटना में कार्यरत रहने के दौरान संगीता रानी पर कदाचार का आरोप भी लगा था, जिसके बाद जांच के बाद उक्त कार्रवाई की गई थी। इसमें उनके कदाचार को सही पाया गया था। 3 सालों के बाद अब उन्हें पद से सेवानिवृत्त करके हटा दिया गया है।
बिहार में 8 जिलों में कोरोना संक्रमितों की हुई पुष्टि। बिहार में अब गिने चुने कोरोना के मामले पाए जा रहे हैं। स्वास्थ्य विभाग के द्वारा जारी किए गए ताजा आंकड़ों के मुताबिक बीते दिन के पिछले 24 घंटे के दौरान बिहार में 11 नए संक्रमितों की पहचान हुई है। इसके तहत दरभंगा और गया से 2-2 मरीजों की पुष्टि हुई, जबकि बेगूसराय, भोजपुर, पूर्वी चंपारण, खगड़िया, मुजफ्फरपुर, सहरसा से 1-1 मामले सामने आए हैं, जबकि एक संक्रमण का मामला दूसरे राज्य से आए व्यक्ति का पाया गया है। इस दौरान 11 मरीज रिकवर भी हुए हैं, जिसके बाद राज्य में एक्टिव मरीजों की संख्या 59 हो गई है। वहीं अब रिकवरी दर 98.65% पर पहुंच गया है। 1.5 सालों के बाद खुलेंगे भारत नेपाल सीमा के नाके। कोरोना संक्रमण को लेकर विराटनगर, रानी, जोगबनी सहित नेपाल भारत के कई सीमा क्षेत्रों के नाके 1.5 साल से बंद पड़े थे, लेकिन मंगलवार को नेपाल कैबिनेट में बैठक के बाद सीमा को खोलने का फैसला लिया गया। बताते चले कि बॉर्डर के बंद रहने के कारण बिहार के लोगों को काफी समस्या हो रही थी। यहाँ की गाड़ियां नेपाल में प्रवेश नहीं कर सकती थी और नेपाल से भी व्यापार वर्ग के लोग खासा परेशान थे, जिस कारण से पर्यटन और होटल व्यवसायियों ने सोमवार को ही प्रधानमंत्री शेर बहादुर देववा से मिलकर उनसे सीमा को खोलने का आग्रह किया था। बताते चले कि उत्तरी बिहार और नेपाल की सीमा सटे होने के कारण यहाँ के व्यापारी वर्ग के लोगों का आना जाना लगा होता है। ऐसे में यह दोनों पक्षों के लिए राहत भरी खबर है। अब IIIT भागलपुर में भी हिंदी माध्यम में होगी इंजीनियरिंग की पढ़ाई। नई शिक्षा नीति के तहत बिहार के टॉप इंजीनियरिंग संस्थानों में नियमों को लागू करने की कवायद की जा रही है। इसके तहत NIT पटना के बाद भागलपुर IIIT में भी नए सेमेस्टर की पढ़ाई हिंदी में कराने की तैयारी हो रही है। मानव संसाधन विकास मंत्रालय से निर्देश के बाद इस दिशा में काम शुरू हो गया है। इसके तहत सिलेबस के अनुसार ही हिंदी माध्यम के कोर्स मटेरियल का प्रारूप तैयार किया जाएगा। 4 साल के कोर्स में किसी 1 साल की पढ़ाई हिंदी में होगी। हालांकि परीक्षा किस भाषा में ली जाएगी, इस पर कोई निर्देश नहीं आया है। बताते चले कि इस बारे में प्रभारी रजिस्ट्रार ने बताया कि अब तक अंग्रेजी में ही पढ़ाई होती है, तो कोर्स मटेरियल को भी उसी तरह बनाया जाएगा। सोनपुर मेला के आयोजन पर इस बार भी है संशय। भारत ही नहीं पूरी एशिया में फेमस बिहार के हरिहर क्षेत्र में लगने वाले सोनपुर मेले के आयोजन पर इस साल भी संशय बना हुआ है। अभी तक मेला के लगने या नहीं लगने की संभावना पर सरकार की तरफ से कोई भी स्थिति को स्पष्ट नहीं किया गया है। पिछले साल भी कोरोना संक्रमण के कारण इस प्रसिद्ध मेले का आयोजन नहीं हो सका था, जिससे कि इस कारण इससे रोजी रोटी कमाने वाले हजारों लोगों में आक्रोश था। इस साल भी साफ अभी तक नहीं हुआ है कि सोनपुर का मेला आयोजित किया जाएगा या फिर नहीं। इस मुद्दे को उठाने के लिए बीते दिन सोनपुर प्रखंड कार्यालय में ग्रामीणों व पक्ष विपक्ष के स्थानीय नेता धरना पर भी बैठे थे और सोनपुर मेले से रोक हटाने की मांग को उठा रहे थे। तेजस्वी यादव पर हुए मुकदमे को राजद प्रवक्ता ने बताया साजिश। लोकसभा चुनाव में पैसे लेकर टिकट देने के मामले में तेजस्वी यादव, मीसा भारती, मदन मोहन झा समेत 2 अन्य कांग्रेस नेता पर केस दर्ज करने के बाद राजद काफी भड़क गई है। राजद ने नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव पर हुए मुकदमे को साजिश बताया है। पार्टी के प्रवक्ता चितरंजन गगन ने कहा कि लालू प्रसाद खुद भी ऐसे ही लोगों की साजिश के शिकार हुए हैं। अब नेता प्रतिपक्ष की बढ़ती लोकप्रियता लोगों को खटकने लगी है, लेकिन हम लोगों को न्यायिक प्रक्रिया पर पूरा भरोसा है। कुछ लोग राजनीतिक लड़ाई हारने लगते हैं तो ऐसे ही प्रपंच का सहारा लेते हैं। बताते चले कि महागठबंधन के 6 नेताओं पर सुप्रीम कोर्ट के एक वकील ने टिकट देने के बदले पैसे लेने का केस किया था। लोजपा सांसद प्रिंस राज ने महिला पर उगाही करने का लगाया आरोप। प्रिंस राज पर हुए केस के मामले में बीते दिन दिल्ली के जिला कोर्ट में समस्तीपुर से लोजपा सांसद प्रिंस राज ने महिला के खिलाफ गवाही दी। दरअसल यह सुनवाई अग्रिम जमानत याचिका को लेकर हो रही थी। इस दौरान प्रिंस राज के वकील ने अदालत को बताया कि कथित पीड़िता और उसके पुरुष मित्र उनके मुवक्किल को वर्ष 2020 से ही ब्लैकमेल कर धन की उगाही की कोशिश कर रहे हैं। महिला और उसका पुरुष मित्र प्रिंस राज से 1 करोड़ रुपए की मांग कर रहे थे। इसे नहीं मानने पर फर्जी शिकायत दर्ज कराने की धमकी भी दे रहे थे। उन्होंने बताया कि इस संबंध में 10 फरवरी को संसद मार्ग पुलिस थाने में युवती और उसके पुरुष साथी के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई गई थी। इस मामले में दोनों को अदालत ने जुलाई में अग्रिम जमानत दे दी थी। उप मुख्यमंत्री रेणु देवी के आवास पर हुई प्रदेश भाजपा की हाई लेवल मीटिंग। बिहार के डिप्टी सीएम तारकिशोर प्रसाद पर नल जल योजना को लेकर गंभीर आरोप लगने के बाद प्रदेश भाजपा में अंदरूनी चीजें सही नहीं लग रही हैं। बीते दिन बुधवार को इसका उदाहरण तब देखने को मिला जब तारकिशोर प्रसाद के आवास की जगह उप मुख्यमंत्री रेणु देवी के आवास पर बिहार भाजपा की हाई लेवल मीटिंग को आयोजित किया गया था। बैठक में प्रदेश अध्यक्ष संगठन के महामंत्री के अलावे तमाम मंत्री भी मौजूद होते हैं। बैठक के जरिए मंत्रियों के कार्यों की समीक्षा होती है। आमतौर पर ऐसी बैठकें तारकिशोर प्रसाद के आवास पर हुआ करती थी, लेकिन इस बार की बैठक उप मुख्यमंत्री रेणु देवी के आवास पर आयोजित की गई है। इसलिए इसे लेकर खास चर्चा हो रही है क्योंकि डिप्टी सीएम तारकिशोर प्रसाद पर गंभीर आरोप लगे हैं।
दरभंगा के दिव्यांग बच्चों ने पीएम को भेजा खास बधाई संदेश। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के देश सेवा के 20 साल पूरे होने के मौके पर 20 दिनों तक उन्हें शुभकामना संदेश भेजने का अभियान चलाया गया है। इस क्रम में दरभंगा के दिव्यांग बच्चों के एक ग्रुप ने बेहद ही खास तरीके से पीएम को बधाई दी है। यहाँ के पुअर होम ब्लाइंड स्कूल के छात्रों ने प्रधानमंत्री को ब्रेल लिपि में शुभकामना संदेश भेजी है। साथ ही साथ यहाँ के मूक बधिर बच्चों ने इशारों में बधाई संदेश भेजा और पोस्ट कार्ड लिखकर संदेश को भेजा। कार्यक्रम के राज्य संयोजन दरभंगा नगर विधायक संजय सरावगी ने कहा कि पूरे देश में प्रधानमंत्री मोदी की सेवा के 20 साल पूरे होने पर 20 दिनों तक उन्हें देश के विभिन्न वर्ग के लोग शुभकामना संदेश भेज रहे हैं। पंजाब किंग्स के खिलाड़ी को मैच से पहले पोस्ट करना पड़ा महंगा। पंजाब किंग्स के ऑलराउंडर दीपक हुड्डा इंस्टाग्राम पे एक पोस्ट करके मुश्किलों में फंस गए हैं। राजस्थान रॉयल्स के खिलाफ मंगलवार को मैच से पहले दीपक ने अपनी खुद की एक फोटो पोस्ट की थी जिसमें लिखा था कि हम आ रहे हैं। इसके बाद वह बीसीसीआई की एंटी करप्शन यूनिट यानी कि ACU की जांच के दायरे में आ गए हैं। ACU के एक अधिकारी ने इस बारे में कहा कि ACU पोस्ट की जांच करेगी। नियमों के तहत मैच वाले दिन खिलाड़ियों को किसी भी तरह से टीम की फाइनल प्लेइंग 11 से जुड़ी जानकारी नहीं देना चाहिए। खिलाड़ियों को इंटरनेट मीडिया से जुड़े नियमों की जानकारी भी दी गई है। तो चलिए बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। आज का सवाल कुछ इस प्रकार है कि आपके अनुसार बिहार सरकार को इस बार के माहौल को देखते हुए सोनपुर मेले का आयोजन करवाना चाहिए या फिर नहीं। आप अपने जवाब हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताएं और बिहार से जुड़े खबरों से अपडेटेड रहने के लिए जुड़े रहें बिहारी न्यूज के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।